हेलो माय लवली फ्रेंड्स, टाइगर का मैसेज आ चुका है तो देख लेते हैं कि टाइगर अपनी बात क्या रखना चाहता है। इनको बातें कंफ्यूजिंग लग रही है, उनको बता दें कि भाई टाइगर 3 का यहां पर टीजर आ चुका है YRF के चैनल के ऊपर। 21 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। फुल पर्दा, 3 2 1 गो। ओके भैया, मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, अविनाश सिंह आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। अबे समझ में आया कुछ? अविनाश सिंह राठौड़, विक्रम सिंह राठौड़। सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा, चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रखते हैं। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत के लिए लगा दिया। सही बात है। बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या कुछ मांगे सर? पर आज मांग रहा हूँ। रंगे हाथों पकड़ा गया रॉ एजेंट टाइगर। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। किसे पता था कि हिंदुस्तान का नामचीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है? एक दिन गद्दार साबित होगा। टाइगर इज एनिमी नंबर 1। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, गद्दार या देशभक्त। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर। भाई मार मत देना बस उसको। जय हिंद। एक्शन से भरपूर। यही तो चाहिए अपने को। फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है वॉर पठान। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। मर गए तो क्या बनेगा? दिवाली 2023। ओहो, तो ट्रेलर टीजर जो भी आप बोले, ये देखने के बाद सबसे पहली बात तो ये अविनाश सिंह राठौड़ इनका नाम निकल के सामने आया टाइगर 1 एंड टाइगर 2 के अंदर। आई थिंक कि इनका नाम नहीं था, कुछ भी ऐसे नाम ना सामने नहीं आ रहा था। एंड आई एम रियली सॉरी, स्टार्टिंग में पॉज करके विक्रम राठौड़ याद आ गया। एक्चुअली वो जवान अलग सीरीज है और पठान अलग सीरीज है। मैं भूल गया था कि पठान की स्टोरी इनसे रिलेट कर रही है। एंड पठान एंड वॉर की चीजें जो जो भी इवेंट्स हुए ना मूवी के अंदर, वो इसके अंदर मिला करके दिखाने वाले हैं। कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना ये, कि शाहरुख खान सलमान खान को एक साथ देखने के चक्कर में हम जवान मूवी की स्टोरी को टाइगर से कंपेयर करने लगे कि भाई अविनाश सिंह राठौड़, उसमें विक्रम सिंह राठौड़ था। पर एक्चुअली में बात ये है कि भाई YRF स्पाई यूनिवर्स का जो करेक्टर है वो पठान इस वाली मूवी का है, ना कि जवान वाली मूवी का है। इन लोगों ने दिमाग के अंदर लोचा बना के रखा हुआ है, विक्रम सिंह राठौड़ अविनाश सिंह राठौड़। तो भैया ये टीजर देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं टाइगर को गद्दार घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये 20 साल सर्व करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं अचानक। देश को इनकी जरूरत, देश को तो हमेशा एक अच्छे सिपाही की जरूरत रहती है, लेकिन अच्छे सिपाही की भी तो कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्यार मोहब्बत चलती रहती है, तो उसकी वजह से ये छोड़ के जाते हैं। इनको देश गद्दार बुलाता है, जो भी बात हुई हो कहीं ना कहीं पे आपको झलक दिखाई देगी कि नहीं, वहां पे इन्होंने ऋतिक रोशन की मदद की थी, वहां पे इन्होंने शाहरुख खान की मदद तो की थी, आपको पता ही है पठान मूवी के अंदर। और इस वाली वीडियो के माध्यम से हम अपने सारे ही रॉ एजेंट्स को भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। हम नहीं जानते और ना जिंदगी में जान पाएंगे कि आपने कंट्री के लिए क्या किया, बट जो भी आप कर रहे हो सैल्यूट है सर। आप पूरा मतलब घर बार छोड़ करके आप देश सेवा में लगे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो भी हम लोगों को नहीं पता चल पाता। आपका सेक्रीफाइस जो है वो हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब दिल से अंदर से सलाम निकल रहा है सर, ऑल द रॉ एजेंट्स एंड ऑल द डिफेंस फोर्सेस। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे समाप्त करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि इस वाली मूवी के अंदर जो विलेन का रोल निभा रहे हैं ना, वो इमरान हाशमी है। मतलब मोहब्बत के नहीं मतलब चुम्मन देव, सॉरी आई डोंट मीन दैट, वो विलन का रोल निभाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर पठान यानी कि शाहरुख खान साहब कैमियो करेंगे एंड हो सकता है ऋतिक रोशन भी कैमियो करें, क्योंकि उनके करियर के लिए और उनकी नेक्स्ट मूवी आने के लिए मतलब वॉल 2 आने के लिए इसमें कैमियो होना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट में बस इतना कहेंगे, जय हिंद।